बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेसिपी हब विद लुबना। आज की रेसिपी है अमृतसरी कुलचा, जिसे चुरचुर नान भी कहते हैं। बहुत लजीज रेसिपी है, तो वीडियो पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम नान का डो बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है 2.5 कप मैदा और 1/2 कप मैं इसमें जो घर का नॉर्मल आटा होता है वो डालूंगी। इसके अलावा इसमें जाएगा नमक 1 टेबल स्पून, शुगर 1 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, दही 2 बड़े खाने के चमचे, इसके अलावा इसमें जाएगा घी। घी या बटर का आप इसमें इस्तेमाल करें, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूंगी ताकि अच्छी तरह आप इसमें सारी चीज़ें मिक्स हों। और इसके बाद इसको मैं तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लगेगा इसमें, उससे मैं गूंद लूंगी। अगर कम लगे आप थोड़ा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डो हमारा रेडी है। इसको 15 मिनट के लिए हमने कवर करके रख देना है। डो बहुत सख्त नहीं होना चाहिए। जब तक डो हमारा प्रूफ हो रहा है तब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। 3 दरमियाने साइज के आलू लिए हैं, उनको बॉयल करके मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है। इसमें मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टेबल स्पून अनारदाना कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून अजवाइन और चॉप की हुई प्याज इसमें जाएगी तकरीबन 3 बड़े खाने के चमचे। इसके बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये स्टफिंग तैयार हो जाएगी, और जब तक हमारा नान का डो भी रेडी होगा। ये हमारी रेडी हो गई है स्टफिंग। इसको अब हम एक तरफ रखेंगे और देखते हैं डो। डो से पहले एक और चीज़ है, वो है इसके ऊपर की टॉपिंग। पुदीना 2 से 3 बड़े खाने के चमचे चॉप कर रहे हैं पुदीने के पत्ते, 2 टेबल स्पून घी या बटर और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करके रख लेना है। ये जो है नान के ऊपर इसकी टॉपिंग होगी और फिर बेक करते वक्त हम इसे इस्तेमाल करेंगे। रेडी हो गया है, 15 मिनट हो गए हैं, नान का जो डो है वो भी रेडी है। नान का डो बहुत सख्त नहीं है, बहुत नरम नहीं है, रोटी की तरह जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं। 3 से 4 मिनट अब हम इसको अच्छी तरह नीट कर लेंगे। नीटिंग के बाद मैंने इसके 4 इक्वल साइज़ के पेड़े या बॉल्स बना लिए हैं। अब हम इनको बारीक बेल लेंगे, रोटी की तरह पतला बेलना है इनको। इसको इस तरह मैंने इतना पतला बेल लिया है। अब इसके ऊपर बटर या घी अच्छी तरह मैंने अप्लाई करना है और इसके बाद हमने इसकी करनी है फोल्डिंग लेयर्स में। इस तरह हम इसकी फोल्डिंग करके इसको रोल करेंगे और इसका पेड़ा बना लेंगे। इस तरह एक तरफ से हल्का सा दबाने के बाद अब हम इसको ऊपर की तरफ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह हम सारे पेड़े रेडी करके रखेंगे और उनको रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं, अब मैं इनको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और जब तक हम जो है वो ओवन को प्रीहीट करेंगे और तवा जो है वो गर्म होने के लिए रखेंगे। ओवन को मैंने फुल हाई हीट पे 15 मिनट के लिए
प्रीहीट किया है, उसके बाद मैंने बेकिंग ऑप्शन बंद करके ब्रायल का ऑप्शन हाई पे, ग्रिलिंग का ऑप्शन हाई पे ऑन कर दिया है और तवा भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम नान बनाना शुरू करते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। सबसे पहले मैंने पेड़े को थोड़ा सा रोल करना है ताकि उसमें स्टफिंग आलू की आसानी से हो सके। स्टफिंग भी रेडी है। अब मैं इसको हल्का सा रोल करूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं फैला लूंगी और तकरीबन 2 बड़े खाने के चमचे इसमें मैंने आलू की स्टफिंग करनी है। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं करनी वरना वो फिर जब आप बेलेंगे उसे, रोल करेंगे, वो बाहर आ जाएगी। अब हमने इसको इस तरह करके और इसको फोल्ड करना है, अच्छी तरीके से बंद कर लेना है हाथों से दबा के, ताकि जब हम इसे रोल करें तो आलू की स्टफिंग बाहर ना आए। अब हमने इसको हल्के हाथों से, चाहे आप हाथ से चाहे रोलिंग पिन की मदद से, हल्के हाथों से बेल लें, रोल कर लें। बहुत मोटे नान ना हो और ना ही बहुत पतले, बहुत हल्के हाथ से हम इसको बेल लेंगे। नान हमारा बेल गया है। अब मैंने इसको जो है एक तरफ इसके पानी लगाना है अच्छी तरह। तवा भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जो पानी वाली साइड है वो तवे के ऊपर जाएगी। हमारी फ्लेम जो है वो मीडियम है ताकि ये नीचे से अच्छी तरह पक जाए। उंगलियों से अब हमें इस पे नान पे जो निशान डालने हैं वो डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि नीचे वाला हिस्सा अच्छी तरह पक जाए। अगर आपके पास ओवन नहीं है, आप इसको टर्न करके गैस ओवन पे जो है वो धीमी आंच पे पका सकते हैं। सेकेंड स्टेप है, अब इस पे जो हमने पुदीने की जो टॉपिंग तैयार की थी वो अप्लाई करेंगे और 3 से 4 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि नीचे से इसको अच्छी तरह से ये पक जाए और लाइट ब्राउन सा इस पे खूबसूरत सा कलर आ जाए। उसके बाद मैं इसे डालूंगी ओवन में। और अगर आपके पास ओवन नहीं है और गैस वाला चूल्हा है, आप तवे को टर्न करके इसको आग पे जो है उसकी फ्लेम पे सेक लेंगे। अब मैं इसको निकालूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ नीचे से इसका कितना खूबसूरत कलर आ गया है। ये नीचे से पक गया है, ये देखें। अब हाई पे मैंने ब्रायल ऑन किया है। एक मैंने पिज़्ज़ा पैन जो है वो रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं नान रख दूंगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो इसको ब्रायल पे ऑन कर बेक करूंगी, जब तक इसका कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। यू शुड कीप एन आई ऑन दैट कि ये बर्न ना हो। ये देखें, हमारा खूबसूरत सा कलर आ गया है और खूबसूरत सा अमृतसरी कुलचा चुरचुरनार रेडी है। इसको निकाल के अब हम सर्व करेंगे और मैं इसका रिजल्ट दिखाती हूँ कितना परफेक्ट आया है। और ये बहुत टेस्टी बनता है। आप देखें, इसकी दोनों तरफ से ये कुक हो गया है, नीचे से भी कितना खूबसूरत कलर आया है इसका और ऊपर से ये बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर आया है। अब हम दोनों तरफ से इसको हाथों से ऐसे प्रेस कर देंगे। इस नान को चुरचुर नान इसलिए कहते हैं, ये ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होता है। रायते के साथ, दही के साथ इसको इंजॉय करें, ज़रूर बनाएं और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछें।